हेलो गाइस, नए वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ फिर से। आपको एक शांति वाली जगह जाना है तो अमृतसर से बेस्ट प्लेस कोई नहीं है। तो जी, मैं आ चुकी हूँ अमृतसर। अमृतसर पहुँच के मैंने सबसे पहले रिक्शा किया, रिक्शे वाले भैया से बोला कि जहाँ पे होटल मिल जाए सस्ते और गोल्डन टेम्पल के पास। तो भैया ने हमसे 20 रुपये लिए गोल्डन टेम्पल के पास होटल दिलाने के। तो भैया की वजह से हमें बहुत अच्छा होटल मिल गया सस्ते में। 800 रुपये का होटल मिला हमें ये वन डे का, बहुत ही अच्छा। और साफ़ सफाई भी अच्छी है और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है गोल्डन टेम्पल से, तो हम रात में भी जा सकते हैं और दिन में भी जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहा। तो बस अब मैं रेडी होती हूँ, रेडी होने के बाद निकलते हैं घूमने। हो गई हूँ रेडी, अब हम निकलते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। पैदल पैदल पहुँच जाएंगे हम। ये होटल वाली रोड है और यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, बहुत अच्छी मार्केट है। खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं अमृतसर में। आपको मैंने यहाँ से टिक्की खाई थी, इतनी अच्छी टिक्की थी कि मैंने, मतलब मैं बार बार अगर मेरे को देंगे ना तो मैं तो खाती रहूँगी, इतनी अच्छी टिक्की थी। तो आप आ रहे हैं तो इधर की टिक्की ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। और ये मार्केट है, चुन्नी वगैरह, फुलकारी, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फाउंटेन शो भी हो रहा था रात में गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल, मतलब मेन गेट पे। तो अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे अंदर के जाने के लिए। वैसे तो गोल्डन टेम्पल 24/7 ओपन रहता है, बट 5 घंटे के लिए ये बंद होता है। अंदर आप दर्शन नहीं कर सकते और बाहर यहाँ पे लंगर वगैरह खा सकते हैं और बाहर सरोवर के पास बैठ के शांति प्रेयर कर सकते हैं। फिर अब हम निकल चुके हैं उसके बाद लंगर खाने। लंगर बहुत टेस्टी था, प्रसाद था, तो प्रसाद तो टेस्टी होता ही है। फिर इसके बाद हम निकल चुके हैं मार्केट में। मार्केट बहुत अच्छी है और नाइट मार्केट यहाँ की तो जवाब ही नहीं है। रात के 12 बजे भी आप यहाँ पर आएंगे ना तो इतनी भीड़ और इतनी चहल पहल होगी, तो बहुत अच्छी मार्केट है, तो ज़रूर आएँ। फिर इसके बाद मार्केट में ही ये स्टैचू है। स्टैचू के इस साइड में आपको बस मिल जाएगी, हो बस, जिसकी आप बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये आपको वन डे में पूरा अमृतसर घुमा देगी। तो देर किसकी, 450 में बुक करो ये बस और नेक्स्ट डे निकल जाओ। तो मैं नेक्स्ट डे हो चुकी हूँ तैयार। मॉर्निंग, अब हम जलियालाबाद जा रहे हैं मॉर्निंग में और 9:30 बजे की हमारी बस है जो पूरा अमृतसर हमें घुमाएगी। चलो चलते हैं जलियावाला बाग। गोल्डन टेम्पल के जस्ट बगल में ही है मार्केट के। जो स्टैचू मैंने आपको रात में दिखाया था उस स्टैचू से बिल्कुल सामने ही है उसका बोर्ड, आपको दिख जाएगा। रिक्शे मत लेना, रिक्शे लोगे तो वो लूट लेंगे आपको, इधर से घुमाकर दूसरे गेट पे लाकर छोड़ देंगे और 20 रुपये पर हेड ले लेंगे। तो जलियावाला बाग हम पहुँच चुके हैं। जलियावाला बाग पूरा गार्डन है और यहाँ पे सबको स्टोरी तो पता ही है कि सबको जनरल डायर ने बंद करके गोलियाँ चलवा दी थी। तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, जल्दी कवर करके हम फिर 9:30 बजे हमारी बस है तो बस के लिए हमें जाना है। तो आ सकते हो, मतलब लाइक आधा घंटा मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा जलियावाला बाग घूमने में, देखने में। यहाँ पे लिटरली यहाँ पे गोली के साइन थे और मतलब कुछ तो ख़राब भी हो गए थे क्योंकि कितना टाइम हो गया है, तो थोड़ा बहुत था और अच्छा था, गार्डन था, लोग यहाँ पर वॉक करने आए हुए थे सुबह सुबह। तो आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं आधे घंटे में। जलियावाला बाग से अब निकल चुके हैं बस की ओर क्योंकि टाइम हो गया, कहीं ऐसा ना हो बस हमें छोड़ के चले जाए। तो हम टाइम पे आ चुके हैं, बस हमारी ये है, डबल टेकर है, ओपन की और नीचे की, और सेम प्राइस है दोनों का, 450 रुपये नीचे का। एसी में आप बैठ सकते हैं और ऊपर भी बैठ सकते हैं, तो मैं ऊपर भी दिखा देती हूँ कि ऊपर कैसा है। तो चलो देख के आते हैं, पहली बार मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ऐसी बस में, मैं कभी भी नहीं बैठी हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए और नया एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो फ़िलहाल धूप है तो मैं नीचे ही बैठूँगी, ऊपर तो लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, ऊपर भी धूप में बट नीचे बैठती हूँ मैं, थोड़ी गर्मी भी है। तो चलो, पहली लोकेशन है हमारी दुर्गिना मंदिर। तो ये दुर्गिना मंदिर की एंट्री है, ये जितने गेट बनाए हैं सबका गेट का नाम दिया हुआ है, ऐश्वर्य और मतलब लाइक सारे सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा है। अब अंदर हम जाते हैं,
जैसे गोल्डन टेम्पल, मैंने ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखी थी, जैसे गोल्डन टेम्पल है वैसे ही दुर्गीना मंदिर भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, तो इस वजह से मैंने बुकिंग भी कर ली, इसको देख के ज़्यादा करी। तो चलो चलते हैं, दुर्गीना मंदिर भी घूम लेते हैं अमृतसर का। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट अच्छा है काफ़ी। आप यहाँ आ सकते हैं अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो। नेक्स्ट लोकेशन है हमारे किला गोविंदगढ़। तो अब हम पहुँच चुके हैं टिकट लेने के लिए इस साइड। नेक्स्ट लोकेशन है हमारे किला गोविंदगढ़। तो हम पहुँच चुके हैं किला गोविंदगढ़। एंट्री टिकट इस साइड में है और एंट्री बहुत दूर है, तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, टिकट लेके हमें दूसरी साइड जाना है। तो हमें हो बस से ये फ़ायदा हुआ, इन्होंने 50 रुपये की हमें एंट्री टिकट दिलवा दी, अदरवाइज़ हमें 400 की टिकट्स मिल रही थी, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ हो बस का। तो हमें एंट्री करने के लिए 50 रुपये की टिकट ले ली है। 50 रुपीज़ की पर हेड की एंट्री टिकट है, और अगर आप एक्टिविटी भी ऐड करवाते हैं तो 300 पर पर्सन की है, और उससे भी ज़्यादा एक है 400 की, तो सबका अलग अलग है। बट मैंने सिर्फ एंट्री टिकट्स ली है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आज सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हम पहुँच चुके हैं किला गोविंदगढ़। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है, बट आपको वो बताएंगे नहीं, 300 और 400 की टिकट सिर्फ बताते हैं। हम लोगों के जो बस हमने की थी उसने हमें बताया कि 50 रुपये की है टिकट एंट्री, जिसमें आप सिर्फ घूम सकते हैं और एक्टिविटी नहीं है, तो आप भी बोल सकते हैं कि हमें 50 की ही चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। यहाँ से एंट्री है, किला है पूरा, तो यहाँ पे क्या सोच सकते हैं क्या होगा, देखते हैं किले में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे गाइड बता रहे थे कि यहाँ पे कोहिनूर को भी रखा गया था, तो यहाँ पे रेप्लिका भी है कोहिनूर का, तो उसको देखने के लिए अलग चार्ज है। अगर यहाँ पे शो भी होते रहते हैं थोड़े थोड़े देर में इस गार्डन में, तो हम शो के लिए भी रुक गए, तो ये शो हो रहा था। अंदर कैफ़े भी हैं, आप यहाँ पे पकोड़े वगैरह और कुछ स्नैक्स टाइप का कुछ खा सकते हैं। और यहाँ पे टर्बन म्यूज़ियम भी बनाया था, हर तरीके की टर्बन यहाँ पे मतलब लाइक बनाई हुई थी, बहुत अलग अलग तरीके की, तो आप सारी देख सकते हैं अगर आपको टर्बन का शौक़ है तो। जो एक्सपेंसिव वाला पैकेज लेते हैं आप, उसमें ऊँट की सवारी और आपको एक शो भी दिखाया जाता, वो सारी चीज़ें ऐड थी, और अंदर तो मुझे कुछ और दिखा नहीं। ये कैफ़े है, हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल चुके हैं, तो रास्ते में साइट सीइंग 2-3 चीज़ें दिखा दी इन्होंने, कॉलेज वगैरह। और अब नेक्स्ट है इंडिया गेट अमृतसर का, तो ये भी रास्ते में ही पड़ेगा इंडिया गेट, तो अब वो देखेंगे हम। ये आ चुका है अमृतसर का इंडिया गेट, साइट सीइंग में है, और उसके बगल में ही वॉर मेमोरियल है अमृतसर का, तो उसको दिखाएंगे। दिल्ली का इंडिया गेट तो सबने देखा होगा, बट ये वाला इंडिया गेट आप अगर अमृतसर आए हैं तो ज़रूर देखें। तो हम वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं, वॉर मेमोरियल की टिकट 150 पर पर्सन है, और अगर आप गाइड भी अगर लेते हैं तो आपको 100 पर मतलब देना पड़ेगा, 100 एक्स्ट्रा अपनी टिकट से। तो हम अंदर आ चुके हैं, एंट्री कर ली हमने। यहाँ पे म्यूज़ियम और हॉल बनाए हुए हैं, चार से सात हॉल में डिवाइड किया है आई थिंक, तो अलग अलग हॉल बनाए। ये एक फर्स्ट हॉल है, सबसे पहला हॉल है, इसमें सारी लाइक जो लाइक गन्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो फाइट में यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं,
तो अच्छा है, देखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें। फर्स्ट हॉल से सेकंड हॉल में जाने का रास्ता अब हम जा रहे हैं सेकंड हॉल में। सेकंड हॉल में भी सारी लाइक जितनी भी फाइट हुई है वो सारी यहाँ पे लाइक ये पुतले जो बनाए हुए हैं इनके थ्रू बताया गया है सारी स्टोरी और उसके नीचे सारी चीज़ें लिखी है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। बहुत मज़ा आया यहाँ पर मुझे, तो आप भी आना ज़रूर अगर आप अमृतसर में रहते हो या आप घूमने आ रहे हो अमृतसर, तो ये मिस मत करना बिल्कुल भी आप। बहुत सारी गैलरी भी हैं यहाँ पे, गैलरी में भी बताया है 1971 का वॉर पूरा रिप्रेजेंट करा है इस हॉल में, तो उसके बारे में पूरा बताया हुआ है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब एक बहुत अच्छे से थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद लाइक ओपन में ये लाइक एक तलवार सी थी, वो मेरे को उसका पता नहीं है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और क्या है उसका मतलब, तो आप बट अच्छा था जो भी था यहाँ पे, बहुत मज़ा आया मुझे आके। तो आप आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, पैसा वसूल कहते ना, ये हो गया मेरा पैसा वसूल कि 450 रुपये इतनी जगह घुमाएं। और इसके बाद अभी बाघा बॉर्डर तो रहता ही है, तो बाघा बॉर्डर भी अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन बाघा बॉर्डर की ही है। बाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं, ये पार्किंग है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, हम तो काफ़ी अंदर आ चुके हैं, नहीं तो लाइन तो बहुत स्टार्टिंग से ही लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट हमारे भैया ने हमें बोला है कि हमें वो एंट्री करवा देंगे, हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनके पीछे 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 चल रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं खुश हूँ कि मेरे को इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। बट अगर आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी आएँ, और अगर हो सके तो आप एक दिन पहले VIP एंट्री के लिए फॉर्म फिल कर दें और आपको VIP एंट्री मिल जाएगी और स्पेस भी आपको आगे मिलेगा जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। आप लाइन देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, इतने तो मैं मतलब तो लाइक इतनी तेज़ धूप में इतनी लंबी लाइन लगाना बहुत मुश्किल टास्क है। आपको इतनी दूर थोड़ी खड़े होना पड़ेगा। हाँ थैंक यू सर। यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, इसी के बगल में हमने लंच कर लिया और लंच करने के बाद यहीं से हम ऑर्डर के लिए, अभी टाइम है एंट्री में इस वजह से हम इस कैफे में रेस्टोरेंट में आगे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी सुबह से, भैया ने हमें कहीं खाने के लिए रोका नहीं, यही है जो है यहीं पर खाना। तो काफ़ी अच्छा था, खाना भी ठीक ठीक था, हमने थाली ऑर्डर करी यहाँ पर, उसे थाली खा कर हम निकल चुके हैं बाघा बॉर्डर के लिए। ये बस इतनी सी लाइन मुझे लगानी पड़ी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। चेकिंग करा के सीधा सीधा हम अंदर आ गए, हमें चेकिंग करने के बाद भी काफ़ी देर थोड़ा मतलब लाइक चलना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि चेकिंग हो गई और उसके बाद नहीं चलना पड़ेगा, झंडा दिखा लंबा चलना पड़ेगा। तो वो देखो पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है, तो आगे आगे जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बाघा बॉर्डर में, मैंने सुना बहुत है कि बहुत मज़ा आता है, डांस होता है, ये होता है, वो होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो चलते हैं बाघा बॉर्डर। भीड़ बहुत होने वाली, आप कैब या छाता तो घर से ले आना क्योंकि यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव पहुँच रही है, पानी अपना जुगाड़ करके चलना क्योंकि गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। तो चलो इंजॉय करते हैं बाघा बॉर्डर में हम।